बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आदिल है। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाएंगे। स्टूडेंट्स, इसको किस पर्पज़ के लिए बनाया जाता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, अभी हम देखते हैं। आप फर्स्ट कर लीजिए कि हमें ईमेल करनी है कुछ एम्प्लॉयज़ को, और हम ये चाह रहे हैं कि हम एक ही आइकॉन को सेलेक्ट कर लें और उस डिपार्टमेंट को या उस साइट को ईमेल, जितने भी यूज़र ईमेल यूज़ कर रहे हैं, सभी को पहुंच जाए। अब फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे पास, हमने ईमेल करनी है पीपीसी या डाइंग को, तो उसके अंदर कोई 20 के करीब यूज़र हैं जो ईमेल एक्सेस कर रहे हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि हम एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लें और वो सभी को ईमेल डिलीवर हो जाए, ना कि वन बाय वन जितने भी यूज़र ईमेल एक्सेस कर रहे हैं सभी को वन बाय वन ऐड करवाया जाए। तो अभी हम पहले यूज़र बना लेते हैं और उसके बाद ग्रुप बना देते हैं। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर और आईटीसोल यूज़र, यूज़र के अंदर इंटरनी, ठीक है। यहाँ पर अभी हम यूज़र बना लेते हैं कुछ। स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ यूज़र ऐड करवा लिए। अब हम इन्हें एक्सचेंज सर्वर के अंदर ऐड करवा लेते हैं, मेल रेसिपिएंट के अंदर। स्टूडेंट, ये हमने मेल बॉक्स के अंदर जो भी यूज़र बनाए वो सारे हमने ऐड करवा लिए। अब आपने ग्रुप के अंदर आना, न्यू ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ग्रुप का नेम, हमने इंटरनी नेम, हमने नेम चूज़ किया था यहाँ पर इंटरनी। वही मैं इसका इंटरन एलियंस में रख देता हूँ। ओनर, आप यहाँ से अगर कुछ चेंज अप करना चाह रहे हैं, किसी और को ओनर बनाना चाह रहे हैं, तो आप बना लें। मैं अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप मेंबर ऐड करवा लें। अभी हमने मेंबर हादी, अलीना, दरूज, हमाद, ईमान, फाहद,
ये अभी हमने बनाई। ओके यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि अप्रूवल किन्हें देना चाह रहे हैं। एनीवन कैन जॉइन दिस ग्रुप, के कोई हमें अप्रूवल के बगैर ही अगर इस ग्रुप को ऐड करना चाह रहा है तो उसको परमिशन दे दी जाए या नहीं, या हम क्लोज कर दें कि कोई भी इसको ज्वाइन ना करे, या ओनर की परमिशन के साथ कोई इसको ऐड कर सकता है। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि क्लोज कर दें, आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, चूज़ वेदर दिस ग्रुप इज़ ओपन टू लीव। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से जाना चाह रहा है तो उसको भी आप परमिशन देना चाह रहे हैं या नहीं, ये आप देख लें आप किस हिसाब से अपनी साइट पे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ही जाने देता हूँ। सेव, ये हमारे पास ग्रुप ऐड हो गया है। अच्छा, अब हम इनको टेस्ट कर लेते हैं कि इंटरनी नाम का, इंटरनी नेम से जो हमने ग्रुप बनाया है क्या वो प्रॉपरली अब वर्किंग में है। जहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं, ईमान नेम से कर लेते हैं या एडमिन से करके आपको दिखाता हूँ। चलो ऐसे से जाने देते हैं। सर, एक बात का यहाँ पर आप नोट कर लें या ख्याल कर लें, ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने ओनर जो बनाया है वो है, ओनरशिप है एडमिनिस्ट्रेटर के पास। इसका ये मतलब है कि हम जो भी ईमेल करेंगे उसकी एक कॉपी एडमिनिस्ट्रेटर को रिसीव होगी, और मेंबर हमारे पास ये है। अब देखते हैं, हमारा लॉगिन हो चुका होगा, अकाउंट ओपन हो गया, न्यू ईमेल हमने बनाया है तो इंटरनी नेम से, तो ठीक है इंटरनी में आ गया। ये हम ईमेल सेंड कर रहे हैं ईमान के अकाउंट से, हम ईमेल सेंड करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। फर्स्ट ईमेल टू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसके मेंबर कौन थे। अब्दुल हादी, एडमिनिस्ट्रेटर अलीना, दरूज, हमाद, ईमान, और इसका ये अपने आप को भी इसकी एक कॉपी रिसीव होगी। अब हम चेक करते हैं कि अदर अकाउंट के ऊपर भी रिसीव हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटर को भी इसकी एक कॉपी जाएगी, तो हम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में भी चेक कर लेते हैं। इंटरनी फर्स्ट ईमेल टू डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। ओके, यहाँ किसी और लॉगिन से ओपन करते हैं। मात हमाद को भी ईमेल रिसीव हो गई है। यहाँ हम चेक कर लेते हैं हादी के अकाउंट से।
और ये हादी को भी ईमेल आ गई। अब हम एक और अकाउंट के ऊपर वेरीफाई कर लेते हैं, दरूज। और ये दरूज को भी ईमेल ईमान की तरफ से रिसीव हो चुकी है। और स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अभी हमने कुछ यूज़र बनाए और उनको एक्सचेंज सर्वर के अंदर, मेल बॉक्स के अंदर ऐड अप करवाया और देन न्यू ग्रुप बनाया। उसकी ओनरशिप एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। अगर आप मतलब कि यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं या कोई और न्यू ऐडअप करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको भी ऐडअप करवा सकते हैं। मेंबर आप यहाँ से इसका रिमूव भी करवा सकते हैं, प्लस के बटन से ऐड भी करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम देख लेते हैं हमारी कोई और स्लाइड इसके अलावा, मेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, आज के लिए इतना ही है। स्टूडेंट्स, आपने इसके देखा होंगे कि एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अब ना कि हम अगर कोई 50 यूज़र्स हैं, हम वन बाई वन उनका आईडी सेलेक्ट करें, और सम टाइम ये भी हो सकता है कि मिसटेकनली हम किसी को ईमेल नहीं कर पाते और बाद में कोई, हमें ये भी अपना बहाना भी हो सकता है कि हमें कोई पैगाम नहीं मिला। तो इसके अंदर हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप के अंदर मेंबर ऐड करवा लेते हैं। तो इस तरह हमें कम एफर्ट करना पड़ती है और ईमेल भी है, सभी को डिलीवर हो जाती है। आप अपनी फीडबैक के लिए मेरे साथ रबते में ज़रूर रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, question@itsol.com, और मुझे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। खुश रहिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।